सब्सक्राइब करें लवकेश तमर चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में कुछ प्राइवेसी होती है। आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, स्मार्टफोन में सारी की सारी प्राइवेसी मिल जाती है लोगों की। तो हम कुछ स्मार्टफोन में वीडियोस, फोटोज और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं, जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो कि अपनी प्राइवेट वीडियोस को लॉक करके रखती हैं, जिनको हम सेव करके रख सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती हैं जो मोबाइल की, उनसे भी हम लॉक कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके फ़ोन में लॉक नहीं लगा है या फिर आप वो लॉक लगाना भूल गए हैं, तो ऐसे में आपको टेंशन होती होगी जो दूसरा बंदा जिसने आपका फ़ोन यूज़ किया है, उसने कभी आपके प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट फोटोज या फिर प्राइवेट डाटा है जो भी आपका, उसने देख तो नहीं लिया है, फिर उसने शेयर तो नहीं कर लिया है, और रैम भी क्लियर करके चला जाता है तो आपको पता नहीं लग पाता है कि उसने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन की थी। ऐसे में आपको टेंशन क्रिएट होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि रैम क्लियर होने के बाद भी आपके फ़ोन में कौन सी एप्लीकेशन ओपन की गई थी या फिर कौन सा डाटा ओपन किया गया था, तो आप जान सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से आपके फ़ोन में ही वो सेटिंग है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। आगे तक देखते रहिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश, आप देख रहे हैं लोकेश तंवर, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपको इसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से ही पता लगा सकते हैं अपने लास्ट टाइम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की थी, लास्ट टाइम कौन से रिसेंटली आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है, चाहे रैम क्लियर हो जाए तो भी पता लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको फोन के डायलर में जाना होगा। लेकिन सबसे पहले हम काम करते हैं, हमने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है। आप देख पा रहे हैं मेरे रैम में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही अभी, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ एमएक्स प्लेयर को रन। बैकग्राउंड में अब एमएक्स प्लेयर चल रहा है। एमएक्स प्लेयर चलने के बाद अब मैं करता हूँ गूगल गैलरी को रन कर लेता हूँ। गैलरी रन होने के बाद ये सब देख रहे हैं, सेटिंग्स को भी मैं बैकग्राउंड में लेता हूँ। ये लेने के बाद मैं काम करता हूँ, जो मेरी वो एप्लीकेशन रन करनी है बैकग्राउंड में, उनको क्लियर कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरी रैम क्लियर हो चुकी है। ये करने के बाद मैं फ़ोन के डायलर में जाता हूँ। फ़ोन के डायलर में जाने के बाद आपको सर्च करना, डायल करना होगा *#*#4636# *#*#4#*#। इस स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने वाला है आपको। इस इंटरफेस में आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे, फोन इन्फॉर्मेशन टू, बैटरी इन्फॉर्मेशन, यूजर स्टैटिस्टिक्स एंड वाईफाई इन्फॉर्मेशन। आपको पांच ऑप्शन में, पांच ऑप्शन में से आपको जाना हो यूजर स्टैटिस्टिक्स में। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला आपको, थोड़ा सा लोड करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा। लोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, कौन सी एप्लीकेशन लास्ट टाइम आपने कौन सी किस टाइम पर यूज़ की थी। तो इसको यूजर्स टाइम पे है ये, अभी तो इसको एप्लीकेशन नेम पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। और उसके बाद लास्ट टाइम यूज़ हम कहो देखना है कि हमने रिसेंटली कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है और हमने उसके रैम भी क्लियर कर दी है। तो लास्ट टाइम यूज़ में ओके करते हैं। लास्ट टाइम यूज़ पे ओके करते ही आपको दिखा देगा ये ऐप सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स, सिस्टम लॉन्चर यूज़ किया है, गैलरी यूज़ किया है, एमएक्स प्लेयर यूज़ किया है। तो बहुत सिंपल था दोस्तों, ये कितना आसान था। आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में पता लगा सकती कौन सी एप्लीकेशन हमने लास्ट टाइम पर यूज़ की थी। तो बहुत सिंपल ट्रिक थी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको पता लग गया होगा कि आपने रिसेंट में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की थी, कौन कौन सी एप्लीकेशन को ओपन किया था। यदि आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना ताकि हर कोई जान सके कि इसके बारे में अपनी फोटोज़ को, वीडियोज़ को कैसे प्राइवेट रखते हैं, मतलब कि अपने जो रिसेंटली एप्लीकेशन को कैसे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।